दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मच्छरों से हम किस तरह से छुटकारा पाए। बाजार में तो तरह तरह के मॉस्किटो को दूर भगाने वाले जो लिक्विड मिलते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट मिलते हैं, या कॉइल भी बहुत सारी मिलती हैं, या फिर आपने देखा होगा वो पेपर आते हैं जो जिसे हम जलाते हैं और जिससे कि मच्छर भग जाते हैं, वो भी पेपर रहते हैं उसे भी हम जलाकर मच्छरों को भगाते हैं। परंतु इन सब का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, हमारे ब्रेथिंग में भी इसकी जो बैड स्मेल होती है वो जाती है और बहुत से लोगों को इसे सांस की बीमारी होती है। मैं घर का ही कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने नीम का तेल लिया है। आप चाहे तो नीम का तेल घर पर भी बना सकते हैं, मैं घर पर भी मैंने बनाना बताया है, और वैसे भी किसी भी मेडिकल स्टोर में नीम का तेल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से हमें नीम के तेल की एक बॉटल लेना है। साथ ही मैंने लिया है कपूर। जी हाँ दोस्तों, ये वही कपूर है जो ज़्यादातर हम पूजा में यूज़ करते हैं। इसकी स्मेल बहुत ही तेज होती है और मच्छरों को इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये देखिए कपूर लिखा है इसमें, और ये इस तरह से इसका प्रिक आता है छोटा छोटा सा, मैं आपको अभी निकाल कर दिखा रही हूँ। तो हमें लेना है इसका एक जो स्लैब है वो लेना है, और थोड़ा सा हमें लेना है नीम का तेल। और आज हम आपको बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से हम मच्छर को घर से दूर भगाएं और किस तरह से इसका लिक्विड तैयार करें। तो अब हमें क्या लेना है, ये जो नीम का तेल है वो एक चम्मच लें। आप चाहें दोस्तों तो ये जो हम लिक्विड बना रहे हैं, ये जो लिक्विड है इसे आप चाहें तो दिए में भी लगा सकते हैं, दिए में बत्ती डालकर भी आप लगा सकते हैं। दो चम्मच के करीब हम नीम तेल लेंगे। नीम तेल में बहुत ही तेज खुशबू होती है, हमें तो खैर बहुत अच्छी लगती है, पर मच्छर नीम के तेल से दूर भागते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं कपूर। कपूर की भी जो तेज खुशबू होती है वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वैसे तो कपूर बहुत आसानी से, ये देखिए, टूट जाता है, और आप चाहें तो इस तरह से खलबत्ते में इसे क्रश करके इसका पाउडर बना लें। तो ये देखिए दोस्तों, कपूर हमने बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका पाउडर। आप इस घरेलू उपाय को जरूर करें, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। घर में बच्चे या बड़े कोई भी हैं, किसी को भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने सब नीम का तेल जो होता है वो अपने आप में गुणों का भंडार है, और नीम के तेल में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है जो कि बहुत से कीटाणुओं को मारता है। तो इसलिए हम इसे मच्छर के लिए इस रेमेडी को बना रहे हैं। कपूर और नीम के तेल को मैंने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो किसी दिए में भी इसे लगा सकते हैं, बत्ती लगाकर आप इसे जला सकते हैं। और यदि आपके पास ये है इस तरह का कि हम मॉस्किटो लिक्विड बनाने वाली जो मशीन आती है, जो कि हम ये देखिए इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे भरना है। आप चाहे तो इस तरह से भी भर सकते हैं, पर नहीं, हमें भरना चाहिए फनल की मदद से। फनल की मदद से हम भरेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से जाएगा। ये देखिए हमारा तेल। आप चाहे तो इस लिक्विड को थोड़ा सा ज्यादा बना के रखें और बस इस तरह से इसमें डाल दें। आप इस घरेलू उपाय को जरूर करें दोस्तों, मच्छर आपके घर का रास्ता ही भूल जाएंगे, बिल्कुल भी मच्छर भर जाएंगे और जो मच्छर होंगे वो मर जाएंगे। और इससे घर में वातावरण भी शुद्ध होगा। नीम का तेल बहुत ही शुद्ध माना जाता है, और कपूर जिसे कि हम हमेशा पूजा में यूज करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा होता है, गुणों का भंडार है। अब इसे मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ दोस्तों, ये इस तरह से लगेगा इसमें। तो ये हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब मैं आपको इस मशीन में इसे फिट करके दिखा रही हूँ। घरेलू उपाय है, आपने देखा, कोई खर्च की जरूरत नहीं है। और नीम का तेल दोस्तों, मैं आपको जल्दी ही इसका भी वीडियो शेयर करूंगी, नीम का तेल का वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करने पड़े। ये हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट बनकर तैयार है, मैं इसे जला के दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसे जला के दिखा रही हूँ। अब ये जैसे ही जलने लगा है, थोड़ी ही देर में चारों तरफ नीम के तेल की खुशबू और कपूर के तेल की खुशबू भर जाएगी, और जो भी कमरे में मच्छर होंगे वो दूर चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये घरेलू उपाय मच्छर को दूर भगाने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।